अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च पनीर ग्रेवी वाली। ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसको पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी से भी कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे रेडी करना है। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने पनीर। यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम्स पनीर लिया है, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है अनियन, ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन है, इनको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। ये अंडे वाली अनियन, अंडे की तरह मैंने इसमें चॉप करा है। ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। 2 कैप्सिकम है, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। कुछ होल स्पाइसेस हैं, इसमें मैंने लिया है बे लीव्स, 2 बे लीव्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक मैंने लिया है 1 इंच का, और ज़ीरा लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं, इसमें मैंने लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। तो ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है और नॉर्मल रेड चिली पाउडर दोनों मैंने लिए हैं। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक कढ़ाई पर मैंने 1/2 कप ऑयल को हीट कर लिया है, और आप जब ऑयल हीट हो जाए तो आप इसमें पनीर के पीसेस को प्लेस कर दें। आपको पनीर को शेलो फ्राई करना है, अगर आप चाहें तो कच्चा भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको इसको हर साइड से फ्लिप करते हुए आपको इसे फ्राई करना है, जब तक कि इसमें देखिए इस तरह का प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको फ्लिप करके हर साइड से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आपको यहाँ पे फ्लेम लो रखना है, लो टू मीडियम, वरना जो आपके पनीर के पीसेस हैं वो जल सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पनीर फ्राई हो चुकी है, इनको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इस सेम ऑयल में फ्रेंड्स यहाँ में मैं कैप्सिकम ऐड करूँगी। कैप्सिकम को मैं स्टर फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो कैप्सिकम है वो थोड़ा सा कुक हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो फ्राइड कैप्सिकम का टेस्ट जो आता है वो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। नाउ इन द सेम ऑयल मैं इसमें होल स्पाइसेस ऐड करूँगी और उसको कुछ सेकंड्स के लिए सिजल कर लूँगी। आफ्टरवर्ड्स मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड अनियन, और इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि अनियन की कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, वो लाइट ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। आपको इसको स्टर करते रहना है वरना अनियन जल सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अनियन का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 मिनट के लिए इसको, अगले 2 मिनट के लिए मैं इसको सौते कर लूँगी। तो जब ये सौते हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटोज़, जो हमारे पास चॉप किए हुए टोमेटोज़ हैं, पाउडर्ड स्पाइसेस हैं, मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और देन मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। 1/2 कप वाटर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मसाला है उसको हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप वाटर ऐड करने के बाद आपको इस मसाले को अच्छे से भूनना है, सौते करना है, जब तक कि ऑयल जो है वो सरफेस पे ऊज आउट नहीं हो जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से भूनते रहना है, जैसे कि मसाला भूना जाता है। एक इसमें दानेदार टेक्सचर आ जाना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो ये मसाला है वो रेडी हो चुका है। ये जो मसाला है ये हमारे ग्रेवी का काम करता है, तो ये हमारी ग्रेवी ही है, आप इसको ग्रेवी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं इनको अच्छे से स्टर कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला है वो भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, और कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए अलॉन्ग विद द ग्रेवी मैं कैप्सिकम को कुक कर लूँगी। तो अगले 2 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी स्टर करते हुए, एंड देन मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लूँगी। यहाँ पर वाटर आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट जो ये मैं
डिश रेडी कर रही हूँ, ये थोड़ी सी थिक है, भुना भुना मैं रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं वाटर ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। मैंने हाफ कप वाटर लिया है एंड देन जब वाटर में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर। पनीर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद आप इसको एक लिड से कवर कर लीजिएगा और कवर करने के बाद आप लो फ्लेम पर इसको नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए कुक कर लीजिएगा, तो जिससे कि जो पनीर का फ्लेवर होगा वो हमारी ग्रेवी में अच्छे से आ जाएगा और हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट होगा वो इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आ रहा है, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल करनी है कवर करने से पहले। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप मत ऐड करिएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको कवर कर लिया है, अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखें हमारा जो ये पनीर की रेसिपी है, जो पनीर की डिश है वो रेडी हो चुकी है। ये शिमला मिर्च पनीर हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप इनको अच्छे से मिक्स करें और जो इसमें एक्स्ट्रा जो बे लीव्स दिख रहे हैं मैं इनको रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इनका जितना भी फ्लेवर आना था वो आ चुका है। तो अब मैं इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और आप इसको गरम गरम चपाती के साथ या पूड़ी के साथ सर्व करें। ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग, आपको ज़रूर पसंद आएगा, अब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।